पनीर पकौड़े। ये भैया जी हमारे लिए पनीर पकौड़े बना रहे हैं। तो पनीर पकौड़े में क्या डालता है? पनीर पकौड़े में हमने डाला है यहाँ पे केवल लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी। क्या पनीर पकौड़े में पनीर भी डालते हैं? नो, पनीर पकौड़े डालते हैं प्याज। पनीर पकौड़े में प्याज डालते हैं। बहुत ही अच्छा पकौड़ा होता है। भैया जी हमें अपने लिए पनीर पकौड़ा चाहिए विदाउट पनीर एंड बेसन, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई नीड अ पनीर पकौड़ा विदाउट पनीर एंड बेसन। अच्छा, और वो पकौड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, तो भैया जी कंफ्यूज हो। सिंपल बेसन का पकौड़ा बना देंगे। हमको सर बेसन नहीं चाहिए। बेसन भी नहीं चाहिए तो सोचना पड़ेगा आपके लिए। ये सोचेंगे, सोचने दीजिए। ये आ गया पनीर, ये काटा पनीर। फिर क्या, मैं और हरेश भैया पनीर पकौड़े बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और ये भैया ने दिल बनाकर चेक किया। देखने में तो पनीर के पकौड़े काफी सुंदर लग रहे हैं। और काम खत्म करके ठेस बुद्धि और टिकटक बंदे भी आ चुके हैं। और अभी ये दोनों थोड़ा अपना इंजन गर्म कर रहे हैं। तो नहा धो के तो मैं मस्त फ्री हो गया। और 2 बजे मुझे आज वीडियो अपलोड करनी है दिल्ली वाली। कई दिन हो गए, संडे को गया था और आज थर्सडे है। और मतलब लेट इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा था और फिर बाद में मेरा माइक खराब हो गया तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाया। वीडियो अपलोड करने मुझे साइबर कैफे पर जाना पड़ता है क्योंकि हमारी एरिया में भी वाईफाई की केबल नहीं है। मैंने कई लोगों से बात करी है वाईफाई वालों से कि यार लगा दो वाईफाई वगैरह, कहते कि केबल नहीं है फिर खर्चा ज़्यादा आएगा, दूर से केबल डाल के लानी पड़ेगी। ठीक है लगा तो। अभी एक से बात करिए, वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ वाईफाई हम लगवा देंगे। तो चलो साइबर कैफे पे चलता हूँ। टिकटक बंदा तो कॉलेज गया, टेस्ट बुद्धि है, उसी को उठाते हुए चलता हूँ। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, धूप निकल रही है भयंकर चिलचिलाती हुई। गली के नुक्कड़ पर बुलाया था टेस्ट बुद्धि को, पता नहीं कहाँ जाके बैठा है। पुनिया कहाँ है? पंकज बालाजी का है। बालाजी तो पुनावर तो अपनी दुकान पे है नहीं, बालाजी गया। चल चला, मैं ना चला रहा हूँ। आप मोटरसाइकिल चलाने के योग्य और हम योग्य लोगों को वो अपनी योग्यता साबित करने का मौका देते हैं। यार मैं एक बात कहूँ, खुशबू से हरियाणा तो उन्होंने यार कल आएगी। उतरो यार, ले यार उतरो मुंह पे नीचे। भैया भी मैं ना आया हूँ नहाने। साइबर कैफे की दुकान पर आते ही फुर्ती से अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। 10 रुपए में अनलिमिटेड वाईफाई। भैया कतई यार भैया गोरा है तुम्हारी हम बस मजे आए लो अब ना रहो कच्चा के नहीं जा। टाटा टाटा चप्पल दे बाली में यार करवाए मुंह देखियो का पहन रहूं देखियो। इतने छोटे सैंडल कौन के भैया के हैं? ठीक है तो बाली में करवा। गाय गाय पत्ते मुंह पे काय के का चप्पल का है? कांगी थी चप्पल। चप्पल टूटी तेरी? चप्पल टूट गई तो तू पे गाली क्यों पड़ती है? केवे दूसरे की ने पत्तू ना। अच्छा चल ठीक है तो समझाऊं। हां 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 तू सुना हैं कोचिंग? वेरी गुड दोनों दोनों यार ठीक हाँ। तो ठीक है फिर सटक लो जल्दी। छोड़े ना यार बाय बोलने आए हैं। किनारे आ रहा था रोज वैसे कोई आया हो? वैसे कोई आया हो को रोज मेरे में दूधे भी ज्यादा है और को आया कोई साल में भाई। मम्मी कह रही का कह रही मैं दूधे भी ज्यादा है के मुंह का वाले में तो हमें तो दे दे थी पैसा कोई से को आया रोहित पैसा को आया दूध के। ठेस बुद्धि को उसकी मम्मी ने दूध का हिसाब करके पैसे दिए थे कि जाइए पैसे दिया और उसने खो दिए 1400 रुपए खो दिए उसने। शाम को ये दोनों आते हैं और पापा की कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो ठीक ठाक बंदा कमर दबा रहा था पापा की। कितने खोए? पता नहीं फिर बताई चौनी कौ। चप्पल नहीं तो जूतो मिलेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्या चल।
आराम से चला आराम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे बार चमक रहे हैं, खिल गया चेहरा। तो अभी ठेस बुद्धि को चप्पल दिलाने आए हैं। देख रहे कौन सी चप्पल ले हैं। अब ये जैसी चप्पल ले ले जी, देख ले देख कितनी में। तो रहने सैंडल तो कुछ छेड़ दे कर मारते कर। ये वाली चप्पल मुझे सबसे बेकार लगती है, इन्हें देख के मैं छपरियों का ध्यान आता है। तुम कहना है सुनो, ये ज्ञान ने दूसरे ने देख रहा। छपरी सुनकर ठेस बुद्धि ने अपना मन तुरंत बदल लिया और फाइनली से ये वाली चप्पल पसंद आ गई। चले आओ। तो जैसा कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो ठीक ठाक बंदा माला ले जा रहा है पूजा करने के लिए। तो अगर मैं माला लेकर नहीं जाता तो पापा मुझे माला बना देते। एटीट्यूड वाज शिवांशु। थोड़ा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था तो रुक गए साइड में। आटे भाई सूजी भाई आटे भाई। गोलगप्पे खाकर फिर हम सीधे अपने घर के लिए निकल लेते हैं। अगर पहले इन्हें छोड़ कर आता हूँ इनके घर। चारा घर पहुंचकर मेरी बहन मुझसे कहती है जा चलो। का है? इसकी फ्रेंड के यहाँ पे आज देवी जागरण है, तो हमें बहुत ही मन से इनवाइट किया है और कार्ड भी दिया है व्हाट्सएप पे। किस किस को इनवाइट किया है? मुझे मुझे इनवाइट किया है सबसे मेन। मुझे किया है ठेस बुद्धि को, टिक टाक बंदे को, हम सभी को इनवाइट किया है। अभी ये वाला नाम लिखोगी तो कहीं बोला फोन करके बस ठीक ठाक बंदा। ठेस बुद्धि पुनावरण की दुकान पर बैठे थे। आए, ओ भाई ओए चलो चलो जल्दी चलो। और ये हम पहुंच जाते हैं। नमस्ते। तो यहाँ आज देवी जागरण है, पूरा घर सजा हुआ है इनका। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और सच बताऊं तो इतनी इज्जत तो मुझे कभी मेरे घर पे नहीं मिली जितनी मुझे यहाँ मिली। नमस्ते। नमस्ते। अब तू मुझे ये बताएगा कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ और मैं कितने बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मैं कभी नहीं कर पाता है। ये छोटा सा बच्चा मेरा बहुत तगड़ा फैन है ऐसा ये बोल रहा था। और फिर बारी आती है खाना खाने की। खाना पीना खाकर सबसे मिलजुल कर फिर हम अपने घर को निकल लेते हैं। तो आपको कैसा लगा अपने मित्र से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। घर पे तो शायद सो गए सभी, अभी नहीं सोए। तो पढ़ेगी तो उतनी हो नहीं पढ़ेगी? पढ़ेंगे। तो जा फिर पढ़। तुम पढ़ते थे? मैं तो हाथ पैर अपने पकड़ लेती हूँ कि मत पढ़े। हम बेटा लाली मत पढ़े, फायदा में रहेगी। ठीक आ रही है ठीक। चलो देखिए इससे ज्यादा लड़ाई ज्यादा बढ़िया है, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप ऐसे जाइए।